में आज का इतिहास। वर्ष 1899 में आज ही के दिन भारत के स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का जन्म हुआ था। उधम सिंह ने जलियांवाला हत्याकांड का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल ओ डायर की हत्या की थी। 1919 में जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तब माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और इस हत्याकांड के बाद वहां की मिट्टी को हाथ में लेकर उधम सिंह ने बदला लेने की प्रतिज्ञा ली थी। उन्होंने पूरे 21 वर्षों तक सही मौके का इंतजार किया और फिर अपनी ये शपथ पूरी की। वर्ष 2004 में आज ही के दिन हिंद महासागर में भयंकर सुनामी आई थी और इसकी वजह से 9.1 की तीव्रता वाला भूकंप, जिसका केंद्र इंडोनेशिया में था, वो आया। इस सुनामी ने भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव्स, थाईलैंड और मलेशिया समेत कई देशों में जबरदस्त तबाही मचाई थी। अकेले इंडोनेशिया में तब सुनामी से 1,70,000 लोगों की मौत हुई थी और इससे 37,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुनामी के कारण हिंद महासागर से लगे 14 देशों में लगभग 2,30,000 लोग मारे गए थे। और वर्ष 1933 में आज ही के दिन एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रांग को फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन यानी एफएम का पेटेंट मिला था। एडविन आर्मस्ट्रांग एफएम रेडियो के आविष्कारक भी थे और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।